अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज ये खुसूसी वीलॉग है। आमतौर पर मैं इस टाइम पर वीलॉग नहीं करती, लेकिन चूंकि DGISPR ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसकी बड़ी ज़रूरी है उसके ऊपर तफसीलात फ्राहम भी करना और उसके ऊपर अपना एनालिसिस भी मैं दूंगी, तो ये स्पेशल वीलॉग इस सिलसिले में है। बाकी जो रूटीन का एक मेरा वीलॉग आता है वो अपने वक्त पर आ जाएगा, तो वो भी आप लोग मिस ना कीजिएगा। लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी DGISPR की, जिसके ऊपर बात करनी बड़ी ज़रूरी थी, तो इसलिए मैं स्पेशली इसको ज़रा फोकस करूंगी इस वीलॉग में। और सबसे पहले तो मैं अपने मेरे कुछ 5-6 पॉइंट्स हैं जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने नोट किए, उनके ऊपर कुछ डिस्कशन भी होगी और थोड़े कुछ बात करेंगे कि इससे तज्जिया क्या हो सकता है, क्या इससे एनालाइज किया जा सकता है आने वाले वक्त का। तो पहली बात तो ये कि जो बॉडी लैंग्वेज थी बड़ी एग्रेसिव नज़र आई। DGISPR बहुत गुस्से में थे और ये बड़ा अनलाइक है इस तरह से एक गुस्से वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस का नज़र आना, क्योंकि आमतौर पर हम इदारों से तवक्को ये करते हैं कि वो बहुत कूल एंड काम और कंपोज्ड होंगे। वो जज्बाती गुफ्तगू करते हुए हमें नज़र नहीं आते या गुस्से में हमें नज़र नहीं आते, ऐसी कोई भी बात करते हुए नज़र नहीं आते जिससे ये तासुर जाए कि वो कोई पर्सनली किसी के अगेंस्ट हैं या पर्सनली वो किसी को गलत समझते हैं, तो ये तासुर आमतौर पर नहीं हुआ करता। लेकिन पिछली जो एक दो प्रेस रिलीज थी, चाहे वो फॉर्मेशन कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस के बाद हो या फिर वो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के बाद हो या फिर जैसे आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो ये तमाम जो आप कह लें कि एक बाहर के लोगों से टॉक करने का उनका जो भी वे था, उसमें उन्होंने एक एग्रेशन शो किया उन प्रेस रिलीज में भी और इधर भी जो उन्होंने बातचीत की, अल्फाज का चुनाव, बॉडी लैंग्वेज, चेहरे के तासुरात खासे एग्रेसिव नज़र आए, गुस्से में नज़र आए। दूसरा इसमें एक पॉइंट ये अहम है कि अगरचे इसमें इमरान खान का कोई नाम नहीं लिया गया डायरेक्टली, लेकिन ऐसा लगा कि पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस ही उनके गिर्द घूम रही है, और ये भी बड़ा अनलाइकली था विटनेस करना, क्योंकि आमतौर पर पहले भी कभी जब और भी सियासी जमातों के साथ हालात कशीदा रहे हों फौज के, तो एक तो हमने ये कभी इस तरह स्पेसिफिकली नहीं देखा कि किसी एक पर्सन को, एक सियासी जमात को इस तरह से टारगेट करके कोई बात की गई हो और सिर्फ उसी की बात की गई हो, मतलब मुख्तलिफ सवालों में बात हुई हो तो एक हुई हो, लेकिन जनरली एक उसको फोकस करके स्पेशल उसके ऊपर कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की गई। लेकिन ये अमल हमने इमरान खान साहब के खिलाफ 2-3 मरतबा देख लिया इससे पहले भी। याद होगा आपको जब अरशद शरीफ शहीद का जिस दिन जनाजा था उस दिन भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आई थी सामने, तो उसमें भी हमने कुछ इसी किस्म के गम व गुस्से के जज्बात देखे थे। तो बहरहाल एक तो ये बात हमें बड़ी अनयूजुअल नज़र आती है। तीसरी बात यह है कि जो मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से DGISPR ने बात की है, वो तो ये शो कर रही है कि वो लोग फैसला कर बैठे हैं और वो तो ये सोच चुके हैं कि ये लोग ही गिल्टी हैं और उनके पास नाकाबिले तरदीद शवाहिद भी मौजूद हैं, और ये जो नाकाबिले तरदीद शवाहिद हैं उन्हीं की बुनियाद के ऊपर वो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर उनका ट्रायल भी करना चाहते हैं और इसका वो इजहार भी बाकायदा पहले से कर चुके हैं। अब बात यह है कि आम तौर पर जब कोई मामला सब जुडिस होता है, यानी अदालत में जेर समात होता है, तो कोई भी फरीक हो उसका, वो आमतौर पर गुफ्तगू करने से परहेज करता है कि जिससे अदालती कार्रवाई के मुतासर होने का खदशा हो या कोई ऐसा तासुर मिले कि जी अदालत को किसी भी तरह दबाव में लाया जा रहा है या उसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन DGISPR ने इसमें जो एक दो बातें की, वो इसी तरह महसूस हुआ कि जैसे सुप्रीम कोर्ट को मैसेज दिया गया हो, या उनके अगर नहीं भी मैसेज देना उनकी इंटेंशन होगा, शायद ना हो, लेकिन उससे ये अखज किया जा सकता है, क्योंकि उनका ये कहना कि हम ऑलरेडी इस पर तहकीक कर चुके हैं, इंक्वायरी हो चुकी है और उनके पास तमाम शवाहिद मौजूद हैं और मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं वो आईन और कानून के मुताबिक पहले से ही क़याम में हैं और उनको कोई नई नहीं बनाई जा रही, 17 मिलिट्री कोर्ट्स हैं जो ऑलरेडी काम कर रही हैं, तो ये सारी चीज़ें, तो ये लग रहा है कि वो ऑलरेडी इसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि ये मिलिट्री कोर्ट्स बिल्कुल ठीक हैं, आईनी और कानूनी भी हैं और इनके अंदर जितने भी फैसले और ट्रायल होते हैं वो बिल्कुल तमाम तर जो इंसाफ की तकाजे हैं उनको पूरा करते हुए होते हैं। तो इससे तो ये तासुर मिल रहा है कि अगर कल को सुप्रीम कोर्ट कोई डिसीजन इसके अगेंस्ट देती है, तो क्या फिर उसके ऊपर एक क्वेश्चन नहीं रेज हो जाएगा कि आपने सुप्रीम कोर्ट के फैसला देने से पहले ही इस तरह की बात करके, ऐसा तो नहीं कि सुप्रीम कोर्ट को मुतासिर किया है। फिर उन्होंने ये बात भी की कि जो भी 9 मई के
कैफरे किरदार तक पहुंचाए जाएंगे, मंसूबा साज उनको, मास्टरमाइंड को पकड़ा जाएगा, लाजमी मिलिट्री ट्रायल उनके किए जाएंगे। तो उससे तो ये तासुर मिलता है कि जैसे, और ये भी कहा कि जो इस इंसाफ के जो प्रोसेस है उसमें कोई रुकावट ना बने। तो ये भी एक ऐसा लग रहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला इसके अगेंस्ट आता है तो क्या उसको रुकावट कंसिडर किया जाएगा, क्या वो कोई रुकावट होगी कि 9 मई का जो वाकयात हैं उसमें मुलविस लोगों को कोई बचाने की कोशिश उससे समझा जाएगा। तो ये दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि ये DGISPR का ये कहना कहीं सुप्रीम कोर्ट को सीधा सीधा मैसेज तो नहीं है, ये सवाल भी उठता अपनी जगह। फिर इसके साथ साथ ये जब बात की जा रही है, चौथा जो मेरा पॉइंट है इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट, कि उन्होंने बताया कि एक लेफ्टिनेंट जनरल, 3 मेजर जनरल्स और 7 ब्रिगेडियर समेत मुख्तलिफ अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की गई है जो इंक्वायरी में उनको जिम्मेदारी जिनके ऊपर आयद हुई। अब ये तो उन्होंने बता दिया लेकिन ना तो उनके कोई नाम शेयर किए गए कि वो कौन से अफसरान थे, फिर ये भी बताया नहीं गया कि वो किस तरह 9 मई में मुलविस थे, क्या उन्होंने कोई फैसिलिटेशन की, क्या वो खुद शामिल थे या उनकी फैमिलीज शामिल थी, या उन्होंने बाद में किसी तरह का रिएक्शन दिया है कि अगेंस्ट कार्रवाई नहीं होनी चाहिए 9 मई के मुलजमान के, किस तनाजुर में उनको हटाया गया है उहदों से, क्यों उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, ये कोई तफसीलात उन्होंने शेयर नहीं की हैं कि वो कौन से अफसरान हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई और क्यों हुई है, क्या उन्होंने ऐसा किया था। तो ये अपनी खुद एहतसाबी का अमल हमेशा फौज खुद करती है, लेकिन यहाँ पर चूंकि ये मामला बहुत सारे मिलिट्री ऑफिशल्स के अलावा सिविलियंस के साथ भी जुड़ा हुआ है, तो फिर हमें जाहिर है कि आवाम ये जानना चाहते हैं कि जो मिलिट्री ऑफिशल्स थे उनका उसमें क्या किरदार रहा है। फिर एक और जो इसमें इम्पोर्टेंट बात थी वो ये कि उन्होंने कहा कि जनाब जो एक इस, अच्छा इससे एक मैसेज ये भी दिया गया कि अगर हम अपने लोगों को नहीं छोड़ रहे तो फिर आप ये गलत फहमी जहन से निकाल दें कि हम फौज के अलावा कोई भी बंदा जो इसमें मुलविस है हम उसको छोड़ेंगे। तो ये एक बड़ा क्लियर मैसेज है अपने ही लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का। अच्छा तीसरी जो एक इम्पॉर्टेंट बात थी वो ये कि उन्होंने ये बात की कि जनाब नाकाबले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं और ये जो पहले से ही सारी साजिश हो रही थी उसका उन्हें ऑलरेडी इसके ऊपर जो है इल्म था। तो इसमें फिर सवाल आता है कि आप जब ये बता रहे हैं कि नाकाबले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं तो फिर क्यों उन शवाहिद को सामने नहीं रखा गया या उनमें से कुछ चीज़ों को क्यों प्रेजेंट नहीं किया जा रहा लोगों के सामने, और क्यों नहीं एक दफ़ा ही आप खोल के सारी बात बता देते कि क्या आपके पास मौजूद है चीज़ें इमरान खान के खिलाफ, PTI के खिलाफ, और अगर उन्होंने पार्टी पॉलिसी के तहत ये सब कुछ किया है तो फिर इसके अगेंस्ट उनको बिल्कुल उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन फिर जो चीज़ें आपके पास इस सिलसिले में मौजूद हैं वो आवाम के सामने आनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, ताकि आवाम की भी कोई कन्फ्यूजन अगर हो तो इसके ऊपर दूर हो सके। और फिर वो ये बात कर रहे हैं कि जनाब पहले से हमने अगर मालूम था तो फिर तो और भी ये सवाल स्ट्रांगली उठता है कि फिर क्यों नहीं इस कोशिश को पहले से रोक दिया गया, अगर ऐसी कोई कोशिश की जा रही थी, बनाया जा रहा था। अगर सिर्फ ये कहना कि जी चूंकि एक बयानिया था, जहन साजी हो रही थी फौज के खिलाफ, उससे ये पूरा एक रिजल्ट निकाला गया या नतीजा ड्रॉ किया गया है कि जी चूंकि पहले से जहन साजी हो रही थी या फौज के खिलाफ बातें हो रही थी इसलिए ये तासुर मिल रहा है कि जी ये उन्होंने खुद करवाया है, तो ये तो मेरा नहीं ख्याल है कि इतनी कमजोर बेस के ऊपर DGISPR ये बात कर रहे होंगे। वी होप कि उनके पास इससे कोई स्ट्रांग शवाहिद मौजूद होंगे, क्योंकि जहां तक इमरान खान साहब की स्पीचेस की बात है या और सेकेंड ईयर जो लीडरशिप है PTI की, तो उन्होंने ऑन एयर ऑन रिकॉर्ड तो इस तरह के हमने हमारी नजर से तो नहीं कम अज कम गुजरे जुमले कि आप आग लगा दें GHQ को जाके या आप मिलिट्री की इंस्टॉलेशंस के ऊपर आग लगा दें जाके, तोड़ फोड़ करें, जलाओ घेराव करें, इसका जिक्र कर रहे थे DGISPR, लेकिन हमने ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं देखी उनकी, ना हमारी नज़र से गुजरी। अगर DGISPR के पास ऐसी कोई स्टेटमेंट उनकी मौजूद थी ऑडियो वीडियो किसी भी शक्ल में तो वो सामने रखी जानी चाहिए थी मेरे ख्याल से, ताकि पता चलता कि इमरान खान कितना बड़ा मुजरिम है। और फिर उसके बाद उन्होंने ये भी बात की कि जो जहन साजी की जा रही थी, तो जहन साजी अगर इसको कहा जा रहा है कि अगर वो ये बात करते हैं कि जो जनरल बाजवा एक्स आर्मी चीफ थे वो उनकी गवर्नमेंट गिराने में पेश रहे और उन्होंने ये सारी जो है उनके खिलाफ कार्रवाई की, और अगर वो इस तरह की बात करते हैं तो ये बात तो कोई ऐसी नई बात नहीं है, ये तो फिर नवाज शरीफ साहब ने भी की है बात कि जनरल बाजवा ने उनकी हुकूमत भी गिराई थी, नाम ले लेके की है, तो इमरान खान साहब ने भी फिर वही बात की है, तो फिर नवाज शरीफ क्यों इस बात पर
उस तरह से इमरान खान जैसा मुजरिम नहीं है, उनके बारे में ये इल्ज़ाम क्यों नहीं लगता कि उन्होंने लोगों की जहन साजी की, फ़ौज के खिलाफ किया। इमरान खान भी यही बात करते हैं कि जनाब जो फौजी लीडरशिप है वो जर्नैल हैं, बल्कि उसमें भी वो सिर्फ आर्मी चीफ का जिक्र करते हैं कि वो जो है उनके गलत फैसलों की वजह से जो है बहुत नुकसान हुआ है मुल्क को। तो यही बात नवाज शरीफ साहब भी करते थे, इमरान खान साहब तो ये कहते हैं कि फ़ौज हमारी है, मेरे से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फ़ौज है, जो फौजी जवान है उनसे हमें प्यार है। और यही बात नवाज शरीफ भी करते थे कि हमें फ़ौज का सिपाही या फौज से हमें कोई मसला नहीं है, लेकिन जो उनकी अस्करी क्यादत है बेसिकली वो अगर सियासत में मुलविस होकर कोई किरदार अदा करती है जिससे मुल्क को नुकसान हो तो उस बात पर तनकीद होती है, तो फ़ौज के उस किरदार पर हम तनकीद करते हैं। तो ये बात तो नवाज शरीफ साहब भी इसी तरह ही करते थे, इमरान खान भी इसी तरह करते हैं। फिर ये बात पे बड़ा गुस्सा किया है हमेशा DGIS प्यार ने, पहले भी इस पर बात की कि जी उनकी जो कुछ अफसरान हैं उनके ऊपर कत्ल की साजिश का इल्ज़ाम लगाया इमरान साहब ने, ये बड़ा सीरियस एलिगेशन है। ये बात बिल्कुल ठीक है, ये सीरियस एलिगेशन है, लेकिन क्या ये इल्ज़ाम सिर्फ इमरान खान ने लगाया? ये तो नवाज शरीफ साहब ने भी लगाया था, मरियम नवाज को स्मैश कर दिया जाएगा, ये अल्फाज थे मियां साहब के, कि उन्हें ये मैसेज पहुंचाया गया है कि मरियम नवाज को स्मैश कर दिया जाएगा। तो वो भी यही बात कर रहे थे कि कत्ल की साजिश का इल्ज़ाम लगा रहे थे, और यही बात इमरान खान ने की है। उन्होंने भी एक दो ऑफिसर्स की बात ज़रूर की है कि उनके ऊपर उन्हें शक है कि वो ये सब कर रहे हैं, तो बल्कि उन्होंने तो ये कहा है कि उन ऑफिसर्स के अगेंस्ट आप खुद इन्वेस्टिगेशन करें और चीज़ें आपके सामने आएं, ताकि पूरे हम कोई पूरी फौज पे तो नहीं उस चीज़ का इल्ज़ाम लगा रहे कि सारी की सारी फौजी गलत है। तो ये जो इन अगर इमरान खान के इन स्टेटमेंट्स की बुनियाद पर ये नतीजा अख्ज़ किया जा रहा है कि वो कोई पूरी आवाम को फौज के खिलाफ उकसा रहे थे, तो फिर ये स्टेटमेंट्स तो नवाज शरीफ साहब भी देते रहे हैं और भी लीडरान देते रहे हैं, इससे बढ़कर भी स्टेटमेंट्स देते रहे हैं। तो किस बुनियाद पर, कौन सी वो स्पेसिफिकली बात है जिससे ये अंदाज़ा लगाया गया है कि नवाज शरीफ नहीं बल्कि इमरान खान ने अवाम को फ़ौज के खिलाफ इस तरह का वरगलाया कि फिर वो हमने देखा कि 9 मई का वाकया हो गया। तो ये स्पेसिफिकली उनके जो भी कोई ऑडियो वीडियो स्टेटमेंट्स थे वो सामने आने चाहिए थे, जिससे पता चलता कि जनाब इमरान खान ने आखिर ऐसा क्या किया जो कि पहले किसी ने वो बात नहीं की। तो ये कुछ बुनियादी चीज़ें हैं जो कि सामने आती हैं जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। लेकिन इस पर जो मैं एक लास्टली बात कर दूं कि मुझे इससे एक बात उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से जो मेरी एक एनालिसिस है वो ये भी है कि जो ये बातें बड़े दिनों से हम लोग सुन रहे थे कि शायद कोई रास्ता खुलेगा या कोई सॉफ्ट कॉर्नर हो गया या कोई बातचीत हो जाएगी, तो इसका इम्कान बिल्कुल नज़र नहीं आता। इमरान खान के लिए बिल्कुल जो क्रॉस लगाया गया था वो अभी तक मौजूद है, और उस क्रॉस के खिलाफ भी अगर कोई बात करता है तो उसके अगेंस्ट भी कार्रवाई होगी, उसको भी गलत ही कहा जाएगा। ये एक ऐसा नज़र आ रहा है मामला। और इसके अलावा ये भी एक बात सामने नज़र आ रही है कि इमरान खान साहब से कोई सुलह की कोशिश नहीं होगी फ़ौज की कि किसी भी तरह, क्योंकि वो बिल्कुल इस बात पर क्लियर हैं कि इमरान खान जो हैं वो बिल्कुल उनको काबिले कबूल नहीं है। तो ये तो दो तीन बातें बिल्कुल वाजे हो गई हैं। तो मज़ीद ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में टफ़ टाइम्स हैं PTI के लिए, इमरान खान साहब के लिए। और एक जो मैं आखिरी बात करना चाहती हूँ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो बात की उन्होंने वो कि इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के हवाले से कि ये प्रोपेगेंडा है, तो इससे तो बिल्कुल डिसअग्री करने की जसारत करेंगे हम जनाब। बिल्कुल ह्यूमन राइट्स की वायलेशन के ऊपर उन्होंने ये कहा कि जी ये बाहर बैठ के क्यों, ये बाहर के लोगों से ये क्यों बात की जा रही है कि जी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है। तो भाई अंदर उन्हें बात करने का मौका ही कहाँ मिल रहा है? इमरान खान को हर जगह पे तो बैन किया गया है, तो वो अंदर किससे बात करें, किसको बताएं? TV चैनल्स पे क्या वो आ सकते हैं? नहीं आ सकते, कोई इंटरव्यू वो दे नहीं सकते, उनका तो नाम नहीं लिया जा सकता। तो अगर उनको ये लगता है, अगर आप इस बात पे खफा हो रहे हैं कि जी बाहर के लोगों को क्यों कहा जा रहा है, तो भाई घर के लोगों को तो इजाज़त ही नहीं है कि वो उनसे जाके मिल लें, बात कर लें, तो फिर वो किसको बताएं? और जहां तक है कि ये प्रोपेगेंडा है या सच है, तो इसमें तो अब बिल्कुल यानी ये तो आंखें बंद कर लेने के मुतरादिफ होगा कि हम अपने आसपास सब कुछ होता देखें कि जिस तरह से लोगों के खिलाफ कार्रवाइयां हुई हैं PTI के लोगों के खिलाफ, और ना सिर्फ ये कि जो लोग किसी भी तरह चले मुलविस हो सकते थे उनके खिलाफ तो हम मान लेते हैं कि जी कोई आपने इस किस्म के लिए कार्रवाइयां की होंगी पकड़ने के लिए कि उन्होंने कुछ वहां पर शरपसंदी की, लेकिन बहुत सारे ऐसे केसेस सामने आ चुके हैं जो कि लोगों का कोई उससे ताल्लुक नहीं था, लेकिन इसके बावजूद भी उनको पकड़ा गया। जिस तरह जिस अंदाज से पकड़ा जा रहा है,
अगर है किसी ने मुलविस भी कोई है तो वारंट लेके जाएं, गिरफ्तार करें, कार्रवाई करें। लेकिन लोगों के घर छलांगे मार के, जिस तरह की वीडियो सामने आती हैं पुलिस की, तोड़ फोड़ की वीडियो सामने आती हैं, सामान तोड़ा जाता है, चोरियां की जाती हैं, उनकी फैमिलीज के साथ बदतमीजी की जा रही है, और अगर वो बंदा जो मतलूब है घर में नहीं है, उसको नहीं मिलता, तो कोई और उसका बीवी, बच्चा, रिश्तेदार, कोई भी अब्बा, बूढ़ा, बुजुर्ग, कोई भी घर से उठा के ले जाया जाता है, तो क्या ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन नहीं है? गला दबाया पड़ा हुआ है ऐसा लग रहा है कि तमाम टीवी चैनल्स का। हम लोग काम करते हैं इसलिए हमें अंदाजा है कि कितनी सख्त किस्म की मॉनिटरिंग है। तो कैसे कहा जा सकता है कि आज़ादी इज़हार राय है, बड़ी डेमोक्रेसी है, बड़ा जी यहाँ पर तमाम तर सब कुछ आईन और कानून के मुताबिक हो रहा है, लोग दिन रात लापता हो रहे हैं, और हम कहें कि जी ह्यूमन राइट्स की कोई वायलेशन नहीं है, लोगों का लापता होना ह्यूमन राइट्स की कोई वायलेशन नहीं है? तो ये एक ऐसी बात है कि जिसके ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं किया जा सकता। और यही वो चीज़ है कि जो बार बार फिर इस बात पे मजबूर कर रही है कि आपको आके अपना जो बयानिया है, जो नैरेटिव है, जो अपना मौकफ है, वो आवाम के सामने लाना पड़ रहा है। और ये एक हुकूमत की भी नाकामी नज़र आ रही है कि इसका मतलब है कि जो इनका केस था वो हुकूमत सही तौर पर लड़ नहीं पाती, तो फिर उन्हें खुद सामने आना पड़ता है। अदरवाइज हम इससे पहले ये प्रैक्टिस ज़रा कम ही देखते थे। तो बहरहाल जनाब, वी जस्ट होप कि सूरत हाल बेहतर हो, लेकिन मुझे ऑनेस्टली लगा नहीं कि सूरत हाल बेहतरी की तरफ जा रही है। मुझे मजीद कुछ तसादुम और मजीद कुछ घुटन ही नजर आ रही है आने वाले दिनों में। मिलते हैं अपना अगले वीलॉग में, और जो हमारा एक रेगुलर वीलॉग होता है, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।